प्रोसेस करते हैं? ये जो घड़े हैं, ये पुराना मिट्टी का घड़ा या पुराना मिट्टी का कोई भी बर्तन हम लोग ले सकते हैं, जो अक्सर हम लोग फेंक दिया करते हैं। तो उस पर घड़ा, हम जानते हैं कि घड़ा में बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं और ये छिद्र से हमेशा ही पानी रिसता रहता है, और ये पानी जो रिसाव है वह इवापोरेशन के माध्यम से, वाष्पीकरण के माध्यम से इसके अंदर का जो पानी है उसको ठंडा करता है। पैन लिया है और ये मिक्सर वाली बाल्टी जो है, जो पेंट की बाल्टियाँ होती है दिवाली के दौरान जब हम इकट्ठी रंगाई पुताई करते हैं, उसके बाद जो बाल्टियाँ हमारी निकलती हैं जो टूट फूट जाती हैं, तो कबाड़ी वाले भी हमसे लेकर नहीं जाते, उनको फेंक देते हैं। तो उनको ना फेंक कर इस कूलर को, इस घड़े को कैरी करने के लिए हमने जो छेद बनाए हैं इसके साथ, ये जो बाहर की हवा है उसको लेकर इसके अंदर और इस फैन को चलाने के लिए पंखा चलेगा और घड़े में जो पानी ठंडा हो रहा है उसे ठंडे पानी को किया बाहर ऊपर से लगाता हूँ। खेतों में काम करती हैं, किसानी करती हैं, वो भी अपने साथ इसको कैरी कर सकती हैं, और अब करते करते थक जाए तो दो पल के लिए 5-10 मिनट के लिए कूलर की ठंडी हवा को ले सकती हैं। साथ ही साथ हम छात्रों को भी ये देना चाहते हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और वैसे हमारे भाई बंधु भी जो छोटे छोटे व्यवसाय में काम करते हैं।